ये क्या करना चाह रही गाइस यार तू? मेरी इतनी फट रही है ना बाहर जाने में। गाइस मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज day 3 है और हम सब जा रहे हैं कहाँ पे? हमारा ना यहाँ पे बहुत अच्छा एक ग्रुप बन गया और आंटी कह रहे सब भूल जाएंगे। ऐसा होगा भाइयों? ऐसा कभी नहीं होगा। आंटी के घर पे ना, आंटी की रूफ बहुत अच्छी है, आंटी ने दिखा दी। अब हुक्का वहीं जाके पीना है, कांटे वहीं जाके खाने हैं, तो कैसे भूलना है। और भाई के पास दिल्ली में गेड़ी मारनी है तो भाई के पास बुला लेना है। सबसे बढ़िया इस ट्रिप की और इस ग्रुप की सबसे बढ़िया खासियत, भाभी हमारी ऑस्ट्रेलिया में PR है। ऑस्ट्रेलिया में घूमने जाना तो खर्चा बच गया। भाई कह रहे डन हो गया सब कुछ, पर दिल में हाथ दिल पे रखा हुआ भाई ने हाथ दिल पे रखा हुआ कि डन सब कुछ हो गया, पर रियल स्माइल नहीं आ रही। बंदे ज्यादा हो रहे। मैं बताता हूँ, भाई आएंगे ऑस्ट्रेलिया से, आएंगे सबसे पहले जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है? उसके बाद गुड़गांव घुमाएंगे आंटी, और फिर आ जाएंगे हमारे पास जम्मू कश्मीर पंजाब से, तो वो है ही। तो बस, और हमने भी ऐसा ही करना है। पर्थ की भाभी है, मेलबर्न के भाई हैं, दोनों को लेके चल जाना सिडनी। तो बस ऑस्ट्रेलिया घूम लिया, अगली ट्रिप पक्की होगी। पक्की होगी। भाभी ने तो टिकटें भी कर ली, क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे, भाभी ने टिकटें भी कर ली। भाई थोड़े टेंशन में आ गए, ये क्या हो रहा है। भाई कह रहे ये बंदे ज्यादा हो गए, कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, तो सीरियस आ गए। तो सबसे पहले अट्रैक्शन जो स्विट्जरलैंड में हम देखने आए हैं, वो आए हैं ब्रोकन चेयर देखने। इसकी एक टांग टूटी हुई है, मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। सो सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है ट्रेन। मतलब ये रोड पे चलने वाली ट्रेन है, इसको ट्रेन ही बोलूंगा, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, बहुत जगह पे आती भी है, मूवीज में देखी होगी। सो ये रोड पे ही चलती है, एक साइड गाड़ियां चल रही हैं ये मेरे पीछे, और एक साइड ट्रेन चल रही है रोड पे ही, एक साइड बस एक साइड ट्रेन। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है स्विट्जरलैंड की सबसे फेमस, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, जिसको बोलते हैं फ्लोरिंग वॉच। सच्ची में घड़ी चल रही है फ्लोर पे, तो ये कुछ नया देखने को मिला स्विट्जरलैंड में। बारिश हो रही है, रात का समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज भी आपको दिखा दूं। और मेरे पीछे बड़े बड़े शोरूम जिसके लिए स्विट्जरलैंड जाना जाता है, रोलेक्स, प्राडा, शनाइल, गुची, सब कुछ है। अभी हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 4 दिन के लिए हैं, काफी फन करेंगे, वो आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम लेक पे जा रहे हैं थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, हस्बैंड वाइफ वाला डिस्कशन करेंगे, बच्चा कब करना कब नहीं। सो ये है स्विट्जरलैंड का सबसे फेमस फाउंटेन, जिसकी हाइट 140 मीटर तक जाती है। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये फाउंटेन है, मतलब इतनी हाइट में 140 मीटर बहुत हाइट होती है यार। 5-14 फ्लोर की बिल्डिंग होती ना, उतना ऊंचा ये फाउंटेन है सिंगल। सो मेरे पीछे लेक है बहुत सुंदर सी, और बारिश हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। और सामने जो पीछे लाइटिंग दिख रही है, ये बहुत प्यारी मार्केट है जो हम कल एक्सप्लोर करेंगे। सो हम आए थे पूल खेलने, एक गेम तो हमने जीत ली, मैंने जीत ली, मेरी और भैया की थी, बट अभी गर्ल्स भी इंक्लूड की है, बॉयज भी मारेगी और अभी भी मारेगी। सो गाइस यहाँ पे ना लड़ाई लग गई है, भाई कह रहे हैं मेरे को खेलने तो, भाभी कह रही है मेरे को खेलने, अब इनको लेकर बॉयज कह रही है मैं तुझे भी नहीं खेलने दूंगी, मैं खेलूंगी। देख भी लो। यो गाइस, यो स्विट्जरलैंड आए और आप लोगों ने शॉपिंग नहीं करी, तो इसका मतलब कुछ नहीं करा। ये स्विट्जरलैंड की शॉपिंग मॉल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे LV, रोलेक्स, स्विज, शनैल, इन सब के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं। मैक्सिमम बड़े बड़े ब्रांड ना वो यहीं से मैन्युफैक्चर्ड हैं। मेरे को लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि हमने कुछ जगह पे देखा था प्राडा और गुच्ची का शूज देखा था, गुच्ची की बेल्ट देखी थी, वो 35,000 रुपए की थी, वो शायद इंडिया में 28 की थी, तो ऑनलाइन भी चेक करा था मैंने। पर अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कुछ पसंद आएगा, क्वाइश को तो लेगी, मैं तो लूंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग करी थी यहाँ पे आने से पहले। सो इसका बर्थडे भी आ रहा है, तो मैंने इसको बोला कुछ
दोगे तो कुछ ले सकती है भाई। नहीं नहीं, अभी हम जा रहे हैं क्रूज में, बहुत ठंड है, ख्वाहिश को बहुत ठंड लगती है। ख्वाहिश ना मतलब पूरी ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश ऐसी इसी जैकेट में घूम रही है, हर जहाँ पे फोटोजेनिक चीज आती है ख्वाहिश अपना रूप दिखाती है। ये है, ये हमारी क्रूज है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं, स्विट्जरलैंड को फेमस करने वाला इंडिया था, क्योंकि इंडिया के जो जसराज चोपड़ा जी हैं उन्होंने जब मूवी बनाई थी, कौन सी, जितने भी मोस्टली मूवीज यहाँ पे, हाँ वो जश, हाँ वो उन्होंने ही कर, उन्होंने ही करी हुई है। और इवन उनकी जसराज चोपड़ा के नाम पे यहाँ पे एक प्लेस भी है जिसका चोपड़ा स्क्वायर नाम रखा हुआ है। सो मतलब थोड़ा प्राउड फील हुआ कि भाई स्विट्जरलैंड इंडिया की वजह से जाना जा रहा है। क्रूज में आ गए हम और क्रूज बहुत ही ज्यादा गर्म है, बाहर बहुत ठंड है और यहाँ पे बहुत तो गर्मी है। और ख्वाहिश वापस एक बार, एक बार 3-2-1 टिकटॉक वाली ट्रांजिशन हो रही है। और मेरी फेवरेट जो सी मैं देखता हूँ पीता नहीं हूँ, शादी हो गया, पहले भी नहीं पीता था, कम पीता था, आजकल मैं सिर्फ ये पी रहा हूँ, कैपेचिनो कोल्ड कॉफी। एंड ये हमारे, हेलो, ओह माय गॉड, इनकी हाथों की कैपेचिनो तो ख्वाहिश पीने नहीं देगी, टच। तो ख्वाहिश ने सबसे सही जगह सिलेक्ट करी है, बिल्कुल फ्रंट में। तो ये स्विस का फ्लैग है, जैसे हमारे इंडिया का तिरंगा है। लव यू भारत, क्या व्यू आ रहा है, सेक्सी व्यू विद सेक्सी गर्ल। मुझे रिग्रेट हो रहा, मुझे ना बहुत अच्छी ड्रेस लेकर आई थी, मगर ये पागल लड़के ने मुझे बाद में बोला कि यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे को खुद नहीं पता था, क्रूज स्टार्ट हो गई, अभी चल रही है। और पहले भी हम क्रूज में बैठे थे बट हमें इतना मजा नहीं आया, वो व्यू ऐसा व्यू कहीं नहीं देखा आज तक। मैं और ख्वाहिश पहले भी क्रूज में बैठे हुए हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ 360 में। और इसके लिए स्विट्जरलैंड जाना जाता है, ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यशराज जी का स्टैचू। इंटरलेकन जो सिटी है उसके एम्बेसडर जसराज चोपड़ा जी है, मतलब एक इंडियन को बहुत प्राउड फील होता है कि ख्वाहिश जो है ये जसराज चोपड़ा जी के साथ खड़े हैं। ये उनका स्टैचू है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन जसराज चोपड़ा 1932-2012 बॉलीवुड। तो ये एक बहुत तगड़ी मूवमेंट है। और इनके पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं। सो ये इनके पीछे का व्यू है। तो अभी जो आप हमारे पीछे व्यू देख रहे हो, अब हम यहाँ से जाएंगे, जो केबल कार जा रही है ये टॉप ऑफ द यूरोप जाएगी। बहुत स्नो पड़ी हुई है, बहुत ठंड लगी हुई है, इसलिए ख्वाहिश ने कोट, लॉन्ग कोट, जैकेट्स, पता नहीं क्या क्या डाल लिया। मैंने इतना कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरे को ये था कि मैं वीडियोज और फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। हम अब यहाँ से जाएंगे टॉप ऑफ द यूरोप केबल कार में, फिर ऊपर से आते टाइम हम आएंगे ट्रेन में। स्विट्जरलैंड आए और ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो इनकम्प्लीट सा लगता है। तो अभी हम सब जा रहे हैं जुनफ्रो टॉप ऑफ द यूरोप। जब आप केबल कार में जाते हैं ना तो इसके पासपोर्ट बनते हैं स्पेशल। सो ये पासपोर्ट है मेरा और ख्वाहिश का, दोनों का। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या होता है, कुछ लिखा हुआ पासपोर्ट जुनफ्रो रेलवे। सो ये रेलवे स्टेशन, जैसे हम टिकट्स लेते हैं इंडिया में ऐसे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ना पासपोर्ट मिलता है। कश्मीर को मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कश्मीर का जो गुलमर्ग है वो सर्दियों में ऐसा ही दिखता है, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज्यादा। सो अभी हम हैं यूरोप के सबसे टॉप के रेलवे स्टेशन पे। स्विट्जरलैंड की ट्रेन बहुत क्यूट और प्यारी रहती है। हमारी ट्रेन आ गई है और इस ट्रेन में बैठ के हम लोग जाएंगे टॉप ऑफ द यूरोप। सो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ये ट्रेन है, ये मेट्रो की सीट्स होती है ना, एयरपोर्ट जाती है ट्रेन, वैसे इसकी सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल है। और यहाँ से हम, जैसे आपको पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे, अब हम ऑलरेडी ऊंचाई पे थे, अब हम इसके बाद और ऊंचाई पे जाएंगे। अभी ट्रेन से बाहर निकल गए और हम इतनी ज्यादा हाइट पे आ गए हैं कि ख्वाहिश ना वॉशरूम गई थी भाग के थोड़ा सा, तो इसकी सांस खुल गई। बहुत सारे लोगों को चक्कर आना स्टार्ट हो गए, सबकी हालत बुरी होगी। डिस्कवरी टूर का मतलब यह है कि अभी हम यहाँ से अपना टूर स्टार्ट कर देंगे। 10 पॉइंट है, हम उसमें से एक नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे है। मेरी बोलते हुए भी सांस फूल रही है। पासपोर्ट जो हमें मिला है इस पे 10 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था स्टेशन, सेकंड पॉइंट था लॉकर कि जहाँ पे हम अपना सामान रखें, और थर्ड पॉइंट आता है पैनोरामा 360। सो हम आ गए हैं टॉप ऑफ द यूरोप, 11,500 मीटर की हाइट पे। यहाँ पे स्कीइंग भी होती है, वर्ल्ड का ये टॉप, वन ऑफ द टॉपेस्ट वो रहता है, स्कीइंग का रूट रहता है। सबसे हाइट पे सांस बहुत फूल गई है। ये 360 व्यू है, ये सबसे टॉप पे है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, ये नीचे शायद देखने को मिले आपको,
ये पूरा बर्फ। भोलेनाथ जी ऐसी जगह रहते हैं, भोलेनाथ जी हमारे ऐसी जगह रहते हैं इंडिया में। तो अभी हम आए हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे और ये बहुत प्रीटी सा पॉइंट है क्योंकि क्रिसमस भी है। ये हमारे जो पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा मतलब क्रिसमस का बना हुआ है और बहुत सुंदर सा, मतलब एक गुफा में ये सब बना हुआ है। दिखाया हुआ है टॉप ऑफ द यूरोप कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, होटल कैसे है, ये सारी चीजें। ये पूरा ग्लोबल है। ये ख्वाहिश के नीचे देख रहे हो आप, ये सब लिखा हुआ है, ये इधर ऐसा है और ऊपर ऐसी स्क्रीन चल रही है। यार मतलब इतनी हाइट पे इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। टनल की वॉल पे ये 3D चल रहा है सब कुछ। अभी आए हैं सिनेमा 360 पे। सिनेमा 360 है कि मतलब आपको आपकी चारों साइड ना ये सिनेमा जैसे मूवी थिएटर में होता ना वैसे ये चलेगा। ये पूरा 360 व्यू है जितनी हाइट पे हम है, 11,500 मीटर की हाइट पे। सो गाइस यहाँ पे जो 8th पॉइंट था वो था आइस पैलेस। ये जो गुफा है ना, ये पूरी आइस की बनी हुई गुफा है और गुफा के साथ साथ इसमें क्या है मेरे को नहीं पता, जो मेरे पीछे देख रहे हो ना ये देखो, यहाँ से एंट्री है, एंट्री के साथ ही ये जो ख्वाहिश दिखा रही है ना, ये पूरी आइस की आइस है, ये पूरी आइस है, ये मतलब पूरा आइस का बना हुआ है। ये पूरा आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये टनल है पूरी आइस की, तो ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। तो गाइस ये देखो, ये पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है इन्होंने, आइस से ईगल बनाई है। ख्वाहिश के पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये आइस से बना हुआ पियानो है और आदमी इसको प्ले कर रहा है। आइस एज जो मूवी थी, ख्वाहिश की फेवरेट वन ऑफ फेवरेट मूवी है, उसको बीच में कैद कर दिया हुआ। सो स्विट्जरलैंड जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो फेमस है चॉकलेट्स के लिए। फैक्ट्री ऑफ चॉकलेट्स जो है वो बोलते हैं स्विट्जरलैंड को, और हम आए हैं चॉकलेट की फैक्ट्री में। यहाँ पे चॉकलेट्स देखो कैसे मिलती है, मेल्टेड चॉकलेट रहती है, जिसको जितनी लेनी है वो उतनी लेके जा सकता है, किलो के हिसाब से यहाँ पे चॉकलेट्स मिलती हैं। तो ये सारी मशीनरीज जो आप देख रहे हो ना, ये चॉकलेट बनाने की मशीनरीज हैं। पीछे आप पढ़ो स्विस चॉकलेट हेवन। अभी ना हमारे टीम के कुछ मेंबर्स चॉकलेट बना रहे हैं, ये देखो ये ऐसे चॉकलेट बनती है, सीख लिया बस, यहीं पे दुकान खोलने वाले हैं हम सारे। ख्वाहिश अभी चॉकलेट बना के खिलाएगी। सो मैंने और ख्वाहिश ने ना अभी डिसाइड किया था हम चॉकलेट खाएंगे, क्योंकि हमें चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, हम क्रेजी नहीं है चॉकलेट्स के लिए, बट एक स्पेशलिटी है स्विट्जरलैंड की चॉकलेट, तो हमने चॉकलेट लिए स्पून वाली। मेरे को पहले लगा ये स्पून है, कहते स्पून नहीं है ये चॉकलेट है, ये खाती नहीं है, पर मुझे पसंद नहीं, मगर दीपेश प्यार से खिला रहे थे, जहर भी दोगे तो भी खा। जल्दी लाओ है, जल्दी लाओ। मेरे को तो अच्छी नहीं लगी, मेरे को पर्सनल रिव्यू दूं मेरे को अच्छी नहीं लगी, बस नाम है, मैं ये वाली खाऊंगा क्योंकि मेरे को वो अच्छी नहीं लगी। सो अभी हम आए हैं एंडलबर्ग में, और ये भी एक हाईएस्ट पीक पॉइंट है स्विट्जरलैंड का, जो मेरे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे भी गंडोले चल रहे हैं, मतलब केबल राइड यहाँ पे भी चल रही है। इसके 5 लेवल होते हैं, सबसे हाई लेवल पे स्नो मिलेगी, जो चारों साइड आप देख ही रहे हो, मेरे पीछे भी देखो पहाड़ है बर्फ के, इधर देखो यहाँ पे भी पहाड़ है बर्फ के। तो अभी हम आज भी ऊपर जाएंगे। ये स्विट्जरलैंड के ना कुछ अच्छे जो जिसके लिए स्विट्जरलैंड जाना जाता है ये वो चीजें हैं। हमारे पीछे जितने भी आप देख रहे हो सारे होटल्स हैं और ये फुली पैक्ड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग स्पेशली स्नोफॉल ही देखने आते हैं। अब जो मैंने लास्ट टेक आपने देखे होंगे वो 12,000 मीटर पे था और ये 10,000 मीटर पे। यहाँ पे ठंड ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू कल, क्योंकि कल ना लाइव स्नोफॉल हो रहा था जिसकी वजह से ठंड कम लग रही थी। अभी भी स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही है, बट ऊपर ज्यादा होगी। ये स्विट्जरलैंड का वो फेमस पार्ट है जिसको कोई मिस नहीं करना चाहेगा, माउंट टिटलिस। सो इसके लिए हमने टिकट्स लेनी थी, टिकट्स ले ली, और ये एक स्कैन कोड यहाँ पे लगा देते स्टिकर कि अगर कोई गुम हो जाए इसको स्कैन करके हम मतलब मिल जाएंगे जो भी हमारे साथ आया होगा। तो यहाँ से हम फिर से टॉप पे जाएंगे, फिर से आपको ब्यूटी दिखाएंगे। मुझे सर्दी बहुत पसंद है, स्नोफॉल बहुत पसंद है, बट ये अल्टीमेट लेवल की खूबसूरती थी। ये ख्वाहिश मेरा फिर पेंगुइन बन गया है और ये पेंगुइन बन के ही घूम रहा है पूरी जगह, और मैं ना थोड़ा कपड़े वैसे डाल के आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को रील्स भी बनानी है। बट आप प्लीज जब भी आए फुली पैक होके आए, मेरे को रील्स की वजह से मैं इतना वो नहीं कर रहा। तो माउंट टिटलिस वी आर कमिंग। सो हमारे पीछे केवल कार रेडी है, ये हमारी टिकट्स है, ये हम स्कैन करते हैं और जाते हैं।
सो गाइज, जो आप ख्वाहिश को देख रहे हो, ये वर्ल्ड की फर्स्ट केबल कार है जो रोटेट करके चलती है। सारी सीधी चलती है पर ये रोटेट भी होगी। आप पीछे का व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है। स्विट्जरलैंड में लोग स्पेशली ये देखने आते हैं, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। स्विट्जरलैंड में कुछ तो है जो लोग बोलते हैं, एंड एज कम्पेयर टू कश्मीर, मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोलते हैं, वो रियल में है क्योंकि कश्मीर भी ऑलमोस्ट इतना ही खूबसूरत है। सो गाइज, अभी हमने फर्स्ट लेवल क्लियर किया, उसके बाद हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे। इसमें ना आपको थोड़ा अलग कर देते हैं, लाइक पहले आप स्ट्रेट जा रहे होते हो, आपको लेफ्ट टर्न लेके फिर आपकी केबल कार चलती है, और फर्स्ट लेवल तक तो रोटेट नहीं करती, शायद सेकंड लेवल से ही रोटेट करती। हमारे पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ के आ गए और यहाँ से अब दूसरा पहाड़ ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये जो पीछे आप फ्लैग्स देख रहे हो ना, फ्लैग लगे, ये स्कीइंग के लिए बना हुआ है। और नीचे ओपन जो आप पीछे देख रहे हो, ये ओपन केबल कार है, जैसे हम क्लोज वाली में बैठे ठंडा लगे तो उसमें लोग वैसे जाते हैं ओपन में। अब हम ना ऐसे चारों साइड से बर्फ के पहाड़ में, कोई बंदा नहीं दिख रहा, कोई घर नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं दिख रहा, ये स्कीइंग करके जा रहे। देखो प्रोफेशनल है यार, देखो। अरे सीखेंगे भी तो यहीं से, कोई प्रोफेशनल तो बच्चा है वो, देखो देखोगे ना ध्यान से, ये बच्चा जा रहा है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये पूरी रोटेट होके जाती है 360। ये वर्ल्ड में एक ही है, जो सबसे अलग एक्सपीरियंस है वो यही है। ये देखो, ये रोटेट करते हुए लेके जा रही है, ये जो केबल कार है ना वो देखना आप पोल को देखते रहना, ये रोटेट कर रही है। सो गाइस, हम आ गए 10,000 फीट के ऊपर, और ये इसके बाद भी लेवल 5 है यहाँ पे, हम लेवल 2 पे है क्योंकि हमें लगे सुसु। सो ख्वाहिश जाएगी सुसु करने लेडीज, और मैं जाऊंगा सुसु करने जेंट्स। सो सुसु सुसु इनटू सुसु। हम गाइस टिटलीज के फोर्थ लेवल पे आ गए, और यहाँ पे होता है फोटोशूट, ट्रेडिशनल फोटोशूट होता है इनकी ड्रेसेस में। तो ऐसे खड़ा है, ये एक मतलब ऐसे ट्रेडिशनल फोटोशूट होता है, चार्जेबल होता है, आप यहाँ आके कर सकते हो। हम आ गए 5th फ्लोर पे, मेरी इतनी फट रही है ना बाहर जाने में, क्योंकि ये आ गए, सारी साइड ना बर्फ ही बर्फ है, और ये इतनी ज्यादा बर्फ है कि मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे हालत देखो, बहुत ज्यादा ठंड, अल्टीमेट लेवल की ठंड है भाई यहाँ पे। सो ठंड में हम खेल रहे हैं, हम आए हैं टिटलीज में स्विट्जरलैंड में। इसको इतना मजा आ रहा है ना, मेरे हाथ सुन्न हो गया, लाल हो गए, ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। गाइज मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए, मेरे मतलब आप देख ही सकते हो इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे माउंट टिटलीज के टॉप पे। तो इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं, हीटर में जा रहे हैं अभी। बहुत स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, देखो लाइव स्नोफॉल हो रहा है। देख लो ये क्या कर रही है, ये देखो ये क्या करना चाह रही, कोई यार तू हद कर रही, उठ उठ डर लग जाएगी। हम आ गए हैं अभी माउंट टिटलीज से नीचे। जब से यूरोप आए हमने चाय नहीं पी थी, और मेरा चाय पीने का बहुत मन था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था। तो मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमें देसी चाय, ये जो देसी चाय है ये मिली, और मैंने ये पी रहा हूँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर कोई स्नो इंजॉय करना चाहता है, इस किसी को बर्फ पसंद है स्नो पसंद है, स्विट्जरलैंड से बेस्ट हो ही नहीं सकता। ख्वाहिश को इतनी ठंड लगती है, बट आज जो ख्वाहिश ने इंजॉय किया ना, इतना ज़्यादा मैंने इसको कभी इंजॉय करते हुए नहीं देखा बर्फ में।